आज हम दोस्तों परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर चर्चा करेंगे। कैसी है इसकी व्यवस्था, इस पर हम विशेष रूप से जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर, इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था पर। तो दोस्तों सर्वप्रथम यह जान लेते हैं, सर्वप्रथम उस सिद्धांत के बारे में जानते हैं जिसमें सबसे पहले नील्स बोर और बरी ने इस सिद्धांत का पालन किया। इसे बोर बरी स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। यह क्रमिक व्यवस्था पर आधारित है जिसमें पहला इलेक्ट्रॉन 2N2 के रूप में प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे। इसके बबाद दोस्तों आने वाले कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे। फिर इसके बाद अन्य आता है दोस्तों, अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन 18 होंगे, इससे अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। यही इस सिद्धांत का आधार है दोस्तों। 18 इलेक्ट्रॉन के बाद और कोई इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं करेगा। चलिए दोस्तों एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ पर पोटेशियम जिसका परमाणु क्रमांक 19 है, जिसमें दोस्तों इस सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले कक्ष में 2 और दूसरे कक्ष में 8 और अंतिम कक्ष में 9 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जबकि इस सिद्धांत के अनुसार दोस्तों सबसे पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके बाद 8 और फिर इसके बाद 8, फिर अंतिम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इस सिद्धांत के अनुसार दोस्तों सबसे पहले जो अपूर्ण कक्षक है वह अपना पूर्ण कक्षक पूरा करेगा, फिर 1 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष में चला जाएगा। आइए दोस्तों नज़र डालते हैं अब बाऊ के सिद्धांत पर। इस सिद्धांत के अनुसार दोस्तों सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षक पर प्रवेश करेगा, या जिसके मान NL के मान से कम होगा या न्यूनतम होगा। यहाँ पर दोस्तों NL का मान न्यूनतम होना, इसका तात्पर्य मुख्य क्वांटम संख्या से है जिसे N से दर्शाया गया है, वहीं L द्विगुणसी क्वांटम संख्या है। यदि दोस्तों आप क्वांटम संख्या के बारे में नहीं जानते तो हम इस पर एक विशेष वीडियो बनाए हैं, या आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। यदि दोस्तों इन दोनों क्वांटम संख्या का मान समान हो तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जिसका मान N से दर्शाया गया है, यदि इसका मान N का मान न्यूनतम हो तो इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में सबसे पहले प्रवेश करेगा। यहाँ पर दोस्तों हमने 5s और 6s और 4p और 3d कक्षक लिए हैं। यदि इन 5s और 6s और 4p में इलेक्ट्रॉन है तो 3d कक्षक यदि खाली है तो सबसे पहले 3d कक्षक में इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करेगा, फिर इनके बाद इन तीनों में बाद में जाएगा। दोस्तों अप बाऊ का यह सिद्धांत जर्मन भाषा से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है जर्मन में क्रमिक निर्माण होता है। अप बाऊ के इस सिद्धांत के अनुसार दोस्तों इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक में प्रवेश करेगा, जिसमें सबसे पहला आता है एस कक्षक की ऊर्जा सबसे कम होती है दोस्तों। इसका सबसे मुख्य कारण है नाभिकीय आकर्षण। नाभिकीय आकर्षण के कारण एस कक्षक सबसे नज़दीक पाया जाता है, इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे, फिर उसके बाद दोस्तों पी और डी और इसके बाद एफ में प्रवेश करेंगे। इसी प्रकार दोस्तों पी की ऊर्जा डी से कम होती है और डी की ऊर्जा एफ से कम होती है। इस प्रकार दोस्तों नाभिकीय आकर्षण नाभिक के नज़दीक में उपस्थित कक्षक पर सबसे ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे नाभिकीय आकर्षण कम होने लगता है। इस प्रकार दोस्तों 1s ऑर्बिटल जो नाभिक के अधिक निकट होता है उसमें पहले प्रवेश करेंगे, फिर उसके बाद 2s, 3s, 3p, 3d और 4s में प्रवेश करेंगे। इसके अंतर्गत अन्य ऑर्बिटल जैसे 4p, 4d और इसके अंतर्गत 4f और आने वाले और कक्षक जैसे 5s में भी प्रवेश करेंगे। इस प्रकार दोस्तों कक्षकों का इलेक्ट्रॉनिक क्रम बना रहता है। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अंत में दोस्तों ऐसी बेस्ट नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।